ड्रीम गर्ल 2 की स्क्रीनिंग पर पहुंचे अनन्या और आयुष्मान। सादगी भरे अंदाज में नजर आई किंग खान की लाडली सुहाना खान। देवर आदित्य की गर्लफ्रेंड की फिल्म देखने पहुंची विद्या बालन। रूमर्ड कपल नव्या नवेली और सिद्धांत भी बने स्क्रीनिंग के मेहमान। जी हाँ, बी टाउन से आया ये खास नजारा है बॉलीवुड के एक्सपेरिमेंटल एक्टर आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवी ड्रीम गर्ल 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग का, जहां आज ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है। वहीं बीती शाम इस फिल्म की स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग को भी होस्ट किया गया। फिल्म के हीरो हीरोइन के साथ उनके रियल लाइफ पार्टनर्स भी पहुंचे, तो किंग खान की लाडली ने इस मौके पर सबको अपनी सादगी भरे अंदाज से दीवाना बनाया। वहीं अपने देवर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और होने वाली देवरानी अनन्या की फिल्म देखने एक्ट्रेस विद्या बालन भी पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ आई। चलिए फिर दिखाते हैं आपको इस स्क्रीनिंग की खास झलक। शुरुआत तो फिल्म के हीरो हीरोइन यानी कि आयुष्मान और अनन्या से ही करनी बनती है। ग्रीन जैकेट और ब्लैक शर्ट पैंट में आयुष्मान जहां बेहद हैंडसम लग रहे थे, तो अनन्या पांडे ऑल डेनिम लुक में नजर आई। वहीं जिस बात ने लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया वो था अनन्या की एकदम यूनिक जीन्स। जी हाँ, अनन्या ने जो जीन्स स्क्रीनिंग के मौके पर पहनी थी उसमें डिफरेंट स्टाइल का पैटर्न बना हुआ था। रेड कार्पेट पर आयुष्मान ने रियल लाइफ हीरोइन अनन्या के साथ तो पोज दिए ही, वहीं इस मौके पर एक्टर अपनी लाइफ पार्टनर ताहिरा कश्यप के साथ भी पेपराजी को पोज देते हुए नजर आए। पति की फिल्म देखने पहुंची ताहिरा पीच कलर की साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ओर अनन्या अपनी फैमिली संग भी मीडिया के लिए पोज देती हुई दिखी। पापा चंकी पांडे और माँ भावना के साथ मिलकर अनन्या रेड कार्पेट पर स्माइल करती हुई नजर आई। वहीं बेटी की फिल्म देखने पहुंचे चंकी ने अपने मामा मिया स्टाइल में खुशी भी जाहिर की। ना सिर्फ अनन्या का परिवार वहां मौजूद रहा बल्कि उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और बी टाउन के नाइट मैनेजर आदित्य रॉय कपूर भी यहां एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। अनन्या के साथ तो उन्होंने पोज नहीं दिए, लेकिन पेपराजी ने जरूर उन्हें अपने कैमरों में कैद किया। आदित्य तो इस स्क्रीनिंग में पहुंचे ही, वहीं अपने देवर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की फिल्म देखने उनकी भाभी और एक्ट्रेस विद्या बालन भी यहां नजर आईं। पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ विद्या ड्रीम गर्ल 2 देखने पहुंची थी। वैसे तो शाम में हर सितारा अपने अंदाज से लाइमलाइट चुराता दिखा, लेकिन वो किंग खान की लाडली सुहाना खान ही रही जिन्होंने अपने सादगी भरे अंदाज से सबको अपना दीवाना बना दिया। क्रॉप टॉप और डेनिम पहने सुहाना एकदम सिंपल लुक में दिखी, लेकिन उनकी यही सादगी हर किसी का दिल चुरा रही थी। सुहाना के साथ इस दौरान उनकी दोस्त और अनिल कपूर की भतीजी शनाया कपूर और बिग बी की नातिन नव्या नवेली नंदा भी मौजूद रहीं। तीनों सहेलियों ने एक साथ मिलकर रेड कार्पेट पर पेपराजी को पोज दिए। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या तो इस स्क्रीनिंग की मेहमान बनी ही, वहीं उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और गली बॉय सिद्धांत चतुर्वेदी भी यहां स्पॉट हुए। अनन्या के साथ फिल्म गहराइया में काम कर चुके सिद्धांत इस मौके पर अपनी माँ के साथ नजर आए। बी टाउन का एक और रूमर्ड कपल इस स्क्रीनिंग का मेहमान बना। कटरीना कैफ के देवर सनी कौशल और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शर्वरी वाघ को भी यहां कैप्चर किया गया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ड्रीम गर्ल 2 की स्क्रीनिंग बी टाउन स्टार से ज्यादा कपल्स के नाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट E24।